तुम्हें पता अपना साइज? ओ प्लग। खून पी लूंगा जाना तेरा, बाप पे जाना नहीं। सुबह के बज रहे हैं 8:40 और मैं निकल चुका हूँ घर से। आज मुझे एक नए इंस्टीट्यूट में डेमो के लिए जाना है। डेमो मतलब वो काफ़ी टाइम से कॉल कर रहे हैं, तो 1 घंटे की क्लास आज मुझे लेनी है। वहाँ कुछ फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। ऑल दो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए टाइम निकालना, क्योंकि बहुत सारे बैचेस मेरे एडजस्ट करने पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी देखते हैं, वी शुड नेवर से नो बिफोर आजमाइंग द अदर पर्सन। क्या इंग्लिश बोलता हूँ मैं, कभी कभी मेरे को यकीन नहीं होता। बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। तो बज रहे हैं 9:40 और मैं लौट रहा हूँ घर को। आज क्लास हो नहीं पाई क्योंकि जो वहाँ पर डेमो था वो 9 से 10 मुझे बताया था, पर 9 से 10 किसी और की क्लास लगी थी। तो फिर सर ने रिक्वेस्ट करा कि आप 10:30 से क्लास ले लो, पर मेरी खुद क्लास लगी हुई है और मुझे वीडियो भी एडिट करनी है अपनी, जो यूट्यूब की आज की वीडियो। तो मैंने कहा मैं कल आ जाता हूँ, आज की क्लास के लिए मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिए, 10:30 तक रुकना ज़रा पॉसिबल नहीं होगा, टाइम की थोड़ी कमी है। तो कल पहुँचते हैं भाई डेमो के लिए। फिलहाल अभी घर पहुँच के वीडियो एडिट करते हैं भाई, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 2:56 और अब तक 56 मैं चल चुका हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। हमारी साइड ये रेड लाइट लगी हुई थी और सबको दिख रहा होगा, रेड लाइट अब काम ही नहीं कर रही। अब भाई दया को बुलाया जाएगा CID सीरियल से और दया बताएंगे कि आखिर ये रेड लाइट काम क्यों नहीं कर रही। हो सकता है बारिश होने की वजह से फ्यूज उड़ गया हो, ये तो दया ही बता सकते हैं कि इस आदमी को गोली लगी हुई। दया के कंक्लूजन तो आप लोगों को पता ही होंगे कि इस आदमी को गोली लगी हुई है और ये हिल नहीं रहा है, और 1 घंटा पहले गोली लगी थी और इसका 4 लीटर खून बह चुका है, मतलब कि ये मर चुका है। कंक्लूजन समझते हैं आप कितने ज़बरदस्त होते हैं हमारे सीरियल्स के। तो रात के बज रहे हैं 11:05 और रोज़ की तरह फिर से ज़रा किचन में चल के देखते हैं कि क्या बन गया। गोलू चलो, गोलू मुझे रिसीव करने आ गई हैं और गोलू बहुत खुश हैं पापा घर आ गए। आओ गोलू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शिबा क्या बना है? आज क्या बना है? हाँ भिंडी भिंडी बनी है। किसने बनाई? तुमने? आंटी ने। आंटी ने, आंटी ने बनाई, हमने नहीं बनाई। अच्छा, और हम भिंडी खाते नहीं। कम सी नहीं लग रही है? कम तो है, पर आप ही बस खाते हैं भिंडी, मुझे तो पसंद है। हाँ। और मैं थोड़ी सी ना आलू की सब्जी बना रही हूँ, कल बनी थी ना आपको बहुत पसंद आई थी ना। कल थी परसों थी? कल कल थी। वो बना रही हूँ, उसमें शुरू करी बनानी। हाँ देखो, तेल लिया, हाँ तेल में जीरा, हाँ आप भी बना सकते हैं, इतना इजी है। हाँ और लहसुन कटा हुआ ले लिया और कटी हुई साबुत मिर्च ले ली विद सीड्स, मतलब ये स्पाइसी मिर्च है, तो बस ये डाला इसमें। ठीक है, लहसुन भी ये कटा हुआ है? लहसुन है बहुत सारा कटा हुआ है। ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा, फटना था नहीं, चम्मच निकाल लूं अंदर से। और बेटा बेटा बेटा, बस कुछ नहीं करना है दानिश, इसमें जल्दी से आइए आप फटाफट देखिए। ये मैंने ऐसे आलू काट के रखे थे फटाफट, बोलो यहाँ वेट कर रही है। ये ऐसे वाले आलू काटे थे स्लाइसेस। हाँ और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, ठीक है, कम ज्यादा होगा देख लेंगे। बस चम्मच ही चम्मच चलाया 1-2 मिनट, अब आप बनाना अगली बार। ठीक है, अभी मैं 5-10 बार में तो सीखूंगा, बहुत टफ लग रहा मुझे। देखो दानिश, अब पता क्या हुआ, इसमें एक भी बूंद पानी है नहीं। हाँ। अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और हम इसको बिना पानी के ही पकाएंगे। ठीक है, आलू में से ही पानी निकलेगा? आलू में से पानी नहीं निकलेगा, बट ये थोड़े फ्राइड टाइप के बनेंगे। हाँ, 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 मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस ऐसे गैस बंद कर दिया, एक सीटी आने तक या 5 मिनट बाद बस गैस बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया, बस हो गया। और इधर मैंने ये बना रखी है, जब आप हल्ला कर रहे थे तब मैं यही कर रही थी, हल्ला बन पा रहे थे ना आपकी जल्दी किचन में। क्या
ये और ये रायता बना रखा है यार। चटनी भी, चटनी चाहिए, चटनी फ्रिज में रखी है। और देखो गोलू क्या कर रही है तब तक। ओ गोलू उर्फी जावेद, गोलू हमारी उर्फी जावेद बनी हुई है। हाँ। कि इसको आ रही है या कि नहीं आ रही, तो इसने उतारी नहीं तब से। बस इसको ये खुश हो रही है, इसने अभी देखो चीटा पकड़ लिया। ओ नहीं बेटा नहीं नहीं, मैं गोलू का पानी बॉईल कर रही हूँ फीडर उसके दूध के लिए ना। गोलू तुम्हारा पानी भर दिया मैंने, अब पीते रहना बुब्बू। देख लिया और पी जावे। गोलू रोना मत बेटा, कुकर की सीटी उठाएंगे भी हम, ठीक है। डरी बेटा, डरते नहीं कुछ नहीं हुआ बड़ों की तरह। खाना बन रहा है, खाना बोलू भी तो खाता है ना। कुछ नहीं हुआ, ड्रामे करते ऊपर से वो डाल दो यार। आपको कल जैसे चाहिए, आपको कल जैसे चाहिए ना, तो आप अपने स्किल्स अपने पास रखें। तो दुनिया जान की चीजें दी जाएं गोलू को, लेकिन खाने में उसे वही प्यास पसंद आती है। तो ये हम लोगों का खाना लग चुका है। हाँ बेटा अभी ठंडा हो, थोड़े से आलू चावल दाल और भिंडी सैलेड और रायता। ये तो गोलू का पानी है। सबसे बढ़िया चीज इसमें चटनी होती है, चटनी बहुत बढ़िया होती है। और गोलू को बहुत तेज भूख लगी है। रात के बज रहे हैं 12:30 यानी कि 12:35, और पूरा दिन निकला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि शिवा के वीडियोस के लिए अभी यहाँ पे ट्राई ऑन हॉल वो मैं शूट कर रहा हूँ, और गोलू को गाड़ी में फिट करा है, नहीं तो ये इधर उधर भागती है और फिर सामने आती है, तो फिर ट्राई ऑन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी शिवा के हॉल चल रहे हैं यहाँ पर, शिवा का ट्राई ऑन होता है। मैं कैमरामैन रवीश कुमार रिपोर्टिंग फ्रॉम NDTV। तो ये शिवा के ट्राई ऑन होते हैं, और गोलू को हमें कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता है। गोलू को गाड़ी में या फिर वो जो मुंडा पड़ा है वहाँ पे हम बैठा देते हैं, और वो बोर हो जाती है, और गाड़ी हम चला देते हैं तो गाड़ी वो ऑफ भी कर देती है, स्विंग फंक्शन पे चला देते हैं। तो फिलहाल अभी ट्राई ऑन हॉल करने हैं, मेरे ख्याल से कम 2 बजे तक इनके ट्राई ऑन हॉल चलेंगे। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करूँगा अपने व्लॉग की और शिवा के व्लॉग की भी, और फिर हम लोग सुबह के लिए वीडियोस अपलोडिंग पे लगाएंगे। और ये गोलू ने शिवा के कुर्ते पे निशान डाल दिया है, जो कि साफ दिख रहा है कैमरे में, और अब इसे ड्रायर से सुखाया जाएगा। बस ऐसे हमारा टाइम बढ़ता रहता है, ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। और गोलू बहुत खुश है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और अब ये गोलू के हाथ मेरी सेल्फी स्टिक लग गई है, और ये ब्लॉगर हिंदुस्तान का सबसे छोटा ब्लॉगर है ये, गोलू के हाथ मेरी सेल्फी स्टिक लग चुकी है। और उसने पता नहीं, मैंने मुश्किल से कुछ ही बार ही तो करी है ऐसे, और इसने एकदम पकड़ लेती है एकदम। ओ उर्फी जावेद सस्ती जी 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 जी, कैमरा है नहीं, बस उससे बातें करनी है खाली से, और नीचे तो देख ले कुछ नहीं दिख रही है। उसने कैसे कॉपी कर लिया, मतलब माशाल्लाह इतना दिमाग है इसका। और देखो बटन दबा रही है ऑन ऑफ करने के लिए। फ्रॉक की हालत देखो इसकी, फ्रॉक उतर ही गई, हाथों में आ गई अब तो। ये नया मम्मी, ये नया मॉडल है, उर्फी जावेद को पता चल जाएगा, बस कॉपी हो जाएगा गोलू। नहीं ये बात हिंदुस्तान के बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे हमने सही कर लिया, एक ही बार सही कर लिया। क्या कर रहे हो गोलू, ये तुम्हें पता चल गया है सॉकेट इसमें लगता है। तुम्हें पता है तुम कितने महीने के हो, कोई बात है वो तुम्हें पता अपना साइज। ओ प्लग खून पी लूंगा तेरा, बाप पे जाना नहीं। रात के 1:50 हो चुके हैं,
और अब ब्लॉग की एडिटिंग तो मैं आधी ही छोड़ रहा हूँ, पूरी नहीं हो पाएगी। और मेरे लिए अब आ चुके हैं स्वादिष्ट और टेस्टी मैंगो। तो भाई ये कौन सा मैंगो है शिवा? हैं, हाँ लंगड़ा मैंगो मेरे पास ये आ चुका है, लंगड़ा वैरायटी। बस अब मैं ये खाऊंगा और फिर सोने का है प्रोग्राम, सुबह उठ के एडिटिंग करी जाएगी बाकी बची हुई। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी कल के व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए।